हमारे बीच में जो वरिष्ठ समाज सेवी और अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक बौद्ध धर्म के हमारे बीच में शांति स्वरूप बुद्ध जी आए। सर न्यूज फंडे में आपका स्वागत है। सर बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार जो चल रहा है ये अभी गांवों तक उस तरह से दिशा में नहीं पहुंच रहा जैसे पहुंचना चाहिए सर, इसमें इस बारे में क्या कहें? हाँ एक्चुअली जो चाहिए वाला प्रश्न है वो तो बड़ा मुश्किल है, बहुत कुछ होना चाहिए मगर हो नहीं पा रहा, तो उसका कारण ये कि साधन नहीं है। एक साधन होते हैं गाड़ियाँ हो, कार्यकर्ताओं पर खर्च करने के लिए पैसा हो, और दूसरा जो सबसे बड़ा साधन होता है वो लोगों में प्रचार करने की क्षमता और उसका ज्ञान, तो उसकी कमी है। अभी हमारे समाज में प्रचार करने का मादा नहीं है, निगेटिविटी बहुत है, एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे से परेशान होना, एक दूसरे की कमी निकालना, बगैर मतलब के कुछ भी बोल देना, बनते काम को बिगाड़ने का काम कर देना, तो ये निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। मगर समय के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें अपने आप सेटल होती जा रही हैं और प्रगति पथ आगे को बढ़ता जा रहा है। ये इसमें किस तरह की परेशानियाँ इसमें खड़ी होती हैं आपके सामने? नहीं, वो जो मैंने जो सारी बातें बताई हैं, हमें बाहर के किसी से कोई परेशानी नहीं है, वो खुद हमसे परेशान है इसलिए हमें तबाह करना चाहते हैं। हम तो अपने अपने अंदर के लोगों की बात कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों, नेता हों, भिक्कू हों, उनमें समाज को चलाने की योग्यता नहीं है। जब तक वो पैदा नहीं होगी तो उससे समाज खड़ा नहीं होगा। नेता हैं बिकने में लगे हैं, जो भिक्कू हैं वो भिक्कू पने का काम छोड़ के दूसरे कामों में लगे हैं, जनता है जनता को अपने नेताओं के प्रति, भिक्कुओं के प्रति, संस्थाओं के प्रति, पदाधिकारियों के प्रति सतर्क लेकर उनसे सेवा लेनी चाहिए, उधर भी वो जागरूक नहीं है। तो जनता में सारी कमी है और उसको समझ के आगे की नीतियाँ निर्धारित करनी पड़ेंगी। जैसे हिंदू धर्म में जो साधु संत है उसी तरह से बौद्ध धर्म में भी जो भिक्कू हैं वो भी एक बौद्ध विहार की एक मूर्ति बनकर रह गए, क्या कारण है? नहीं, वो हिंदुओं से हम अपने भिक्कुओं की वो नहीं कर, हालांकि वहाँ सारे जो साधु हैं वो भी कोई योग्य नहीं है, भीड़ ज़्यादा है और काम करने वाले और विद्वान साधु बहुत कम हैं। हमारे यहाँ तो वो कम भी नहीं है ना, मैं तो कई बार भिक्कुओं को कहा कि भाई आप आओ संघर्ष करते हैं, आपको मसाला भी देंगे, दलील देंगे, किताबें देंगे, उसे पढ़ के आओ, और ये जो बकवास कर रहे हैं इनका जवाब, साधु का जवाब साधु देगा तो ज़्यादा अच्छा होगा ना, तो मगर नहीं, कोई निकलने को तैयार ही नहीं है। मतलब हमारा जैसा आदमी इस उम्र में भी कहीं भी जाके सीना अड़ा देता है और इनको पता नहीं क्या दिक्कत होती है, तो वो हमारे यहाँ संघर्ष का मादा ख़त्म हो गया। जैसे मैंने अभी कहा था, कोई भी है चाहे नेता है जनता है ये है वो है, संघर्ष का रास्ता छोड़ दिया और जब तक हम संघर्ष करते रहे बहुत कुछ पाते रहे। ये जो बाबा साहब की मूर्ति लगी है ना पार्लियामेंट में, ये जो बैंक के कर्मचारियों को रिजर्वेशन मिला है, और जो और बहुत सारी जो चीज़ें हुई 1964 के संघर्ष के कारण हुआ था ना, तो वो संघर्ष हमने छोड़ दिया और हम अपना संघर्ष कर नहीं पा रहे, अपना संगठन बना नहीं रहे, और जो हमारे दुश्मन हैं जो शासक जातियां हैं उनकी जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारा संगठन तोड़ने में अपनी सारी ताकत लगाते हैं, हम अपना बचाव नहीं कर पा रहे, वो हमें तोड़ने में लगे हुए हैं, नेता खरीद रहे हैं, इनको भ्रष्ट कर रहे हैं, उनको भ्रष्ट कर रहे हैं, इसको अंदर कर दिया, उसको अंदर कर दिया, तो ये सब समस्याएँ हैं और कोई ज़्यादा भयंकर समस्या नहीं है। वापस आपके बाद में जो काशीराम जी आए उन्होंने इस समाज को एक नई चेतना देने का काम किया, उसके बाद जो बहन जी खड़ी हुई हैं उन्होंने भी बौद्ध धर्म के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बगैर राजनीतिक सत्ता पाए हुए ये काम संभव? राजनीतिक सत्ता के बगैर तो हो नहीं सकता कुछ, मगर जब राजनेता ही समस्याओं से परिचित ना हो, आपकी प्राथमिकताओं से परिचित ना हो, अपने दुश्मनों के षड्यंत्रों से परिचित ना हो, तो मुश्किल हो जाता है ना। इसमें सब बात जो है कि कांशीराम जी ने बहुत कुछ किया, बहुजन समाज के लिए भी किया, धर्म के लिए भी किया, बहन जी ने भी बहुत कुछ किया, मगर वो बहन जी तो आप देख रहे हैं ना इतने बड़े मोमेंट में वो अकेली, अब उनके खिलाफ में जितनी पार्टियां बन रही हैं हमारे समाज में वो सब समाज को गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है। घर घर में पार्टियां बन रही हैं, अब कितनी पार्टी बनेंगी? जो आदमी थोड़ा बोलना सीख गया, मंच पे खड़ा होना सीख गया, कपड़े धो के पहनना सीख गया, वही पार्टी बना रहा है। घर घर में पार्टियां, पहले हम जातियों में बटे हुए थे, पार्टियों में बट रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है इन पार्टियों बना? और पार्टियां जो बनती है तो जनता ही तो समर्थन करती है ना, उनके रैली में पब्लिक ही आती है ना, जनता पब्लिक ही देती है ना। अब ये पता नहीं मुझे कि ऊपर से भी कहीं से पैसा आता हो तो मुझे पता नहीं है, मगर जो चीज़ गैर जरूरी है वो काम कर रहे हैं तो संदेह तो पैदा होता ही है ना। तो इसलिए आज अपने राजनीतिक स्थिरता की जरूरत है, और उसको जो लोग भंग करते हैं या उसमें विघ्न डालते हैं तो वो तो निंदा के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।